हनुमान का मंदिर, और इसके बाद अब हम श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसे श्री कटास कहा जाता है, यानी कटास राज। श्री का मतलब है मीठा और कटास राज ये इसका नाम है, कटास राज से ये मशहूर है। तो अब हम सबसे पहले जिस जगह मौजूद हैं इसे अमृत कुंड मुकद्दर चश्मा कहा जाता है। ये जगह पहले इसमें चश्मा मौजूद था और इस पानी का रंग भी ब्लू था, नीला था, लेकिन इसके पीछे एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसकी वजह से यहाँ का कुदरती जो पानी है वो ख़त्म हो गया था। अभी ये उन्होंने बोर लगवा दिया है, वहाँ से पानी आ रहा है। बाकी आए आपको इस किला की सैर कराते हैं और आपको दिखाते हैं ये कितना पुराना किला है। और ये हिंदुओं का मुकद्दस जो किला है वो है। और सबसे पहले मैंने आपको दिखाया आब शफा मुकद्दस पानी, जो कि हिंदुओं के लिए मुकद्दस पानी है। सुना जाता है यहाँ पर वो आकर, जैसे हम मुसलमान लोग गुसल करते हैं, वो यहाँ आकर नहाते हैं और उनके जो गुनाह हैं वो धुल जाते हैं, जैसे हम गुसल करते हैं। तो आएँ आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। तो ये आप बोर्ड देख सकते हैं, श्री हनुमान का मंदिर। तो इसकी तरफ अब हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये श्री हनुमान का मंदिर है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। जब हिंदू कसी तदाद से यहाँ पर आते हैं तो इस ताले को खोल दिया जाता है। और इसके बाद अब हम श्री रामचंद्र जी का मंदिर है उस पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। ये श्री राम जी चंद का जो मंदिर है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ, इस पर भी ताला लगा हुआ है। तो आगे हम चलते हैं किसी और जगह और आप और मंदिर आपको दिखाते हैं। कब आए? हम कल आए थे, अब खुड़ा किया है, अब वापसी जा रहे हैं। तो साल में दो मरतबा होली और शिवरात्रि के दिन हिंदू बिरादर जो हैं वो आते हैं और यहाँ पर मूर्ति भी रखी जाती है। अभी मूर्ति मौजूद नहीं है। तो बोर्ड आप पीछे देख सकते हैं, सात ग्रह के मंदिर, ये आपको सामने दिखाते हैं। ये सामने मौजूद हैं सात ग्रह के मंदिर। तो तकरीबन हर जगह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि जब भी हिंदू बिरादरी के आते हैं तो उस वक्त ताले खोल दिए जाते हैं। तो आगे जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये जगह को रोती आंकांसू भी कहा जाता है। श्री भगवान की जब वाइफ सती जानसती फौत हुई थी तो उसकी याद में उन्होंने आंसू बहाए थे। सुना जाता है कि आंसू की जो लड़ी बन गई थी तो पहले का पानी जो बिल्कुल ब्लू था, नेचुरल पानी था, लेकिन पीछे आपको बताया सीमेंट की फैक्ट्री है जिसकी वजह से पानी नेचुरल ख़त्म हो गया था। अभी उन्होंने ट्यूबवेल लगवा दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पानी आता है। तो आए आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो अब हम जिस जगह मौजूद हैं बारादरी हवन कुंड, ये वो जगह है जहां पर हिंदू बिरादरी के शादी करते हैं और सात फेरे लगाते हैं। तो पंडित बैठता है और आग जलाकर, वो सात फेरे नहीं लगाते जैसे मुसलमानों का निकाह पढ़ाया जाता है, मौलवी पढ़ाता है। तो अब ये पीछे देख सकते हैं शिव जी का मंदिर, ये शिव जी का मंदिर यहाँ पर है। आओ जाओ। तो ये वो बोर्ड लगा हुआ है आगे जूते ले जाना मना है, तो हम जूते भी उतार देंगे यहीं पे और चलते हैं आगे। फ्रेंड, अच्छा भाई के साथ काफ़ी अच्छा टूर रहा। रात को हमने स्टे किया था कीवड़ा में, तो कल शाम हमने वहाँ पे घूमे कीवड़ा साठ माइन पे। तो अभी किला कटाक मंदिर वगैरह पे हमने विजिट किया है, देखा है, तो काफ़ी मज़ा आया। और माशाल्लाह बड़े प्यारे व्लॉग बनाते हैं भाई, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे और चैनल इनको और इम्प्रूव हो, हमारी तो यही दुआ है इंशाल्लाह। तो मजीद भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि ऐसी हर न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अब हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब के लिए खुद